अच्छा, मतलब ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, देसी दवाई बता देती हूँ सबको तो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आपने या महिला को पानी के बीचों बीच चलते हुए वीडियो जरूर देखा होगा। आखिर दोस्तों, क्या आपने सोचे हैं इसके पीछे कारण क्या है? आखिर यह अंधविश्वास है या चमत्कारी है या इसमें से कुछ भी नहीं है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, काला सच। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। अच्छा, मतलब ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, देसी दवाई बता देती हूँ सबको तो ठीक हो जाते हैं। बस, और मैं मेरे हाथ से भी नहीं देती, केवल बताती हूँ। हाँ। मिले आपको कहीं ये चीज, हाँ, आप पी लो, नहीं मिले तो दे रहा हूँ। ठीक है, और कोई सिद्धि विद्धि नहीं है? मत अम्मा पानी में चल लेती हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ही तो चलती हूँ पानी में, जैसे बागोड़ है, मैं किनारे चलती हूँ, जैसे बागोड़ है, खेतों में सब्जियाँ लगी बिल्कुल माँ के किनारे फैंसी है, रास्ता निकलने को है ही नहीं है, तो पानी में कूद जाती हूँ, जैसे कमर कमर है उसमें कूद के निकल जाती हूँ, जहाँ तक बाड़ियाँ लगी पानी पानी में, और ऊपर से फिर रास्ता है। गहरे पानी के ऊपर भी चल लेती हूँ कि डूब जाती हूँ? दोस्तों, नर्मदा नदी के बीच में चलते हुए इस महिला का एक वीडियो सामने आया था। बस इसी वीडियो ने महिला को रातों रात नर्मदा देवी बना दिया। वीडियो में बताया गया कि ये महिला चमत्कारी है, ये पानी में चल रही है लेकिन फिर भी इसके कपड़े गीले नहीं होते हैं। अब वह जहां जहां जाती है उसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोगों का कहना है कि जैसे ही उन्हें महिला के बारे में जानकारी मिली, वह उसके दर्शन के लिए नर्मदा घाट आ गए। दोस्तों, जबलपुर जिले में एक महिला नर्मदा परिक्रमा के लिए निकली थी, उसी दौरान वह नर्मदा में उथले पानी में चल रही थी। इसका किसी ने वीडियो बना लिया, उस महिला को नर्मदा मैया करार दे दिया। वैसे तो महिला उथले पानी में चल रही थी लेकिन वीडियो में बताया गया कि यह नर्मदा देवी का स्वरूप है जो पानी के बीचों बीच चल रही है। दोस्तों, इसके पीछे कितना सच्चाई है या तो कोई नहीं बता सकता। आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताना।